12th स्टैंडर्ड. टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स. ठीक है, पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स के बारे में देखेंगे. पब्लिक इशू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स टू पब्लिक. पब्लिक इशू और ऑफर मतलब होता है शेयर्स ऑफर करना किसको, पब्लिक को. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैथड यूज बाय कंपनी. सबसे कॉमन मैथड है जो कंपनी इशू करती है. कंपनी इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस. कंपनी पब्लिक को इन्वाइट करती है सब्सक्राइब करने के लिए बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस देने के बाद कंपनी कैन यूज टू प्राइसिंग मैथड टू ऑफर शेयर्स टू पब्लिक. कंपनी जो है दो प्राइस पे शेयर ऑफर करती है. पहला है फिक्स प्राइस इशू मैथड एंड सेकेंड है बुक बिल्डिंग मैथड. ओके, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. पब्लिक इशू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स टू पब्लिक. पब्लिक इशू या ऑफर मतलब होता है शेयर्स ऑफर करना पब्लिक को. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैथड यूज बाय कंपनी. कंपनी द्वारा सबसे कॉमन मैथड है जो कंपनी यूज़ करती है. कंपनी इन्वाइट टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस. कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इन्वाइट करती है शेयर्स परचेस करने के लिए प्रॉस्पेक्टस दे करके. कंपनी कैन यूज टू प्राइसिंग मैथड टू ऑफर द शेयर्स टू पब्लिक. कंपनी दो प्राइसिंग मैथड यूज़ करती है. पहला है फिक्स प्राइस इशू मैथड, राइट, एंड सेकंड बुक बिल्डिंग मैथड. ओके, तो फिक्स प्राइस इशू मैथड मतलब क्या, अंडर दिस मैथड द कंपनी ट्रेड्स इन इट्स प्रॉस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक. इस मैथड में क्या होता है, कंपनी क्या करती है प्रॉस्पेक्टस के अंदर दिखा देती है कितना क्वांटिटी और क्या प्राइस है शेयर्स का. द सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर आर आस्क टू पे सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और एंटायर इशू प्राइस अलॉन्ग विद एप्लीकेशन. सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर को बोला जाता है कि फेस वैल्यू मतलब शेयर का जो भाव है उसका कुछ पैसा भर देने के लिए या पूरा पैसा भर देने के लिए एप्लीकेशन के साथ. कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड. कंपनी को अपने शेयर के बारे में डिमांड कब मालूम पड़ता है, सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद. इज दिस क्लियर, समझ गए. तो फिक्स प्राइस इशू मैथड मतलब क्या है, अंडर दिस मैथड द कंपनी स्टेट्स इन प्रॉस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक. इस मैथड में कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस के अंदर बताती है कि क्या क्वांटिटी और कौन से प्राइस पे शेयर्स ऑफर कर रही है. ये पहला पॉइंट हो जाएगा. सेकंड पॉइंट में लिखने का, सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर आर आस्क्ड टू पे सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंटायर इशूइंग प्राइस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. सब्सक्राइबर या इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, प्राइस का कुछ वैल्यू या पूरा प्राइस जो है एप्लीकेशन के साथ भरना पड़ता है. द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ शेयर्स ओनली आफ्टर सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड. कंपनी को अपने शेयर्स के डिमांड के बारे में कब मालूम पड़ता है, जब सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है तब. दिस विल बी द आंसर ऑफ फिक्स्ड प्राइस इशू मैथड. तो यहाँ से अंडर से लेके पब्लिक तक फर्स्ट पॉइंट रहेगा, द से लेकर एप्लीकेशन सेकेंड पॉइंट और द से लेके एंड तक थर्ड पॉइंट. तो इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि इस ऑफर में इसमें इस मैथड में कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस में कितना क्वांटिटी ऑफर कर रही है और क्या प्राइस पे ऑफर कर रही है पब्लिक को बता देती है. अभी इन्वेस्टर्स को बोला जाता है कि वो फेस शेयर्स के वैल्यू का कुछ पैसा या तो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ भर दे. और कंपनी को अपने शेयर के डिमांड के बारे में कब मालूम पड़ता है, सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट विल बी बुक बिल्डिंग मैथड. अंडर दिस मैथड द इशूअर कंपनी डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स एंड इशू प्राइस एट विच इट्स शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बाइडिंग प्रोसेस. ये मेथड में क्या होता है, जो इशूअर कंपनी है जो शेयर देती है वो नंबर ऑफ शेयर्स डिटरमाइन डिसाइड करती है और इशू प्राइस डिसाइड करती है जिस भाव में उसको बेचने का है बाय बिडिंग प्रोसेस. बिडिंग प्रोसेस के थ्रू बेचती है. कंपनी इशू एट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस विच कंटेन्स प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर्स टू बिड ऑन इट. कंपनी जो है शेयर इशू करती है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मतलब ऐसा प्रॉस्पेक्टस जिसमें प्राइस रेंज दिया रहता है शेयर्स का, लोअर भाव भी दिया रहता है और अपर भाव भी दिया रहता है. इन्वेस्टर्स को उसी में से खरीदने को बोला जाता है. इज दिस क्लियर. लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड फ्लोर प्राइस. जो लोअर भाव रहता है उसको फ्लोर प्राइस बोलते हैं. वाइल द हाइएस्ट एंड इज कॉल्ड द कैप प्राइस और सेलिंग प्राइस. और हाइएस्ट भाव को कैप प्राइस बोला जाता है. इज दिस क्लियर. तो ये तीनों पॉइंट्स में क्या समझा, अंडर दिस मैथड इशूअर कंपनी जो है नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड करती है और प्राइस इशू करती है बाय बाइडिंग प्रोसेस. बाइडिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है. कंपनी जो है रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू करती है जिसमें प्राइस रेंज दिया रहता है और इन्वेस्टर्स को उसी में से खरीदना रहता है. लोअर एंड ऑफ प्राइस को बोलते हैं फ्लोर प्राइस एंड हाईएस्ट एंड ऑफ प्राइस को बोलते हैं कैप प्राइस और सेलिंग प्राइस. इज दिस क्लियर. फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस. जिस प्राइस में इन्वेस्टर्स को शेयर दिया जाता है उसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस. इज दिस क्लियर. तो यहाँ तक आपको लिखना है. तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझा कि जो कंपनी इस मेथड के थ्रू दे रही है वो उस क्या करती है, अपना शेयर बेचती है बाइडिंग प्रोसेस के थ्रू. कंपनी जो है रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसमें प्राइस रेंज दिया रहता है और इन्वेस्टर्स को उसी प्राइस में से खरीदना रहता है.
लोअर एंड प्राइस को फ्लोर प्राइस बोलते हैं, हाईएस्ट एंड प्राइस को कैप प्राइस बोलते हैं, और जिस प्राइस में इन्वेस्टर्स को शेयर मिलेंगे उसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो योर आंसर विल बी फ्रॉम पॉइंट वाइज, अंडर से लेके प्रोसेस तक फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी से लेके बिड ऑन इट सेकेंड पॉइंट, लोअर से लेके प्राइस तक थर्ड पॉइंट, राइट, एंड फाइनल से लेके कट ऑफ प्राइस तक फोर्थ पॉइंट। चार पॉइंट में आंसर रहेगा। ओके, देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। तो पब्लिक इशू क्या होता है, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, उसमें पहले मीनिंग लिखना है, फिर फिक्स प्राइस मेथड के बारे में लिखना है, और बुक बिल्डिंग मेथड के बारे में लिखना है। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।